चला गया है छुआवर महेश के क्षेत्र के अंदर। गया बच, मैं तो बहिष्कृत क्षेत्र के अंदर जाने से, लेकिन ये बेचारा चुहामल चला गया बहिष्कृत क्षेत्र के अंदर खेल खेल में। हाँ डुबा डुबाई, चुहामल को इस बहिष्कृत क्षेत्र के अंदर नहीं जाना चाहिए था। उसका विशाल रूप देखकर उस पर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए अंदर जाना ही होगा। किंतु बालवीर, है यह बहिष्कृत क्षेत्र तुम्हारे लिए भी खतरनाक। हाँ डुबा डुबाई, मैं जानता, लेकिन चुहामल को बचाने के लिए मुझे इसके अंदर तो जाना ही होगा। डुबा डुबाई, तुम जल्द से जल्द परियों के पास परिबाग में पहुंच जाओ। उनसे कहना कि मेरी चिंता ना करें, और ये भी कह देना कि मेहर के बालों का ठीक करने का उपाय मेरे पास है। ठीक। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पैर के ऊपर पैर क्यों रखा तुमने? ए लड़की, दिखाई नहीं देता, जरा देख के चलो। ये लड़की तो मेहर है। क्या कहा? मेहर? मेहर, तुम इस बहिष्कृत क्षेत्र में क्या कर रही हो? देखो, पहले आप सब बताओ कि आप सबको मेरा नाम कैसे पता? अरे हमसे डरो मत मेहर, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम भूल गई मेहर कि तुम बालवीर के साथ कई बार परिलोक आ चुकी हो। बालवीर के साथ? हम सब बालवीर के मित्र हैं, इसलिए हम सब तुम्हारे भी मित्र हैं। हाँ मेहर, हम सब चट्टाने भी तुम्हारे मित्र हैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे आप सबकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरे साथ हुआ योगी। हम समझ गए मेहर, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हाँ मेहर, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर तुम्हें बालवीर से मिलना है तो तुम्हें इस बहिष्कृत क्षेत्र से बाहर जाना होगा, क्योंकि इस बहिष्कृत क्षेत्र में कोई भी डुबा परियां और बालवीर प्रवेश नहीं करते। मुझे चूहामल को ढूंढ के यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, क्योंकि इस बहिष्कृत क्षेत्र में ज्यादा देर तक रहना सही नहीं है।
अभी भी यहीं बैठा है। पहले ही मेरे मिठाई के दुश्मन कम थे तो ये शेरू भी आ गया। अगर मुझे मिठाई खानी है शेरू को यहाँ से भगाना पड़ेगा, मिठाई खाने के लिए शेरू को यहाँ से दूर करना पड़ेगा। आजा मेरी बिल्ली, दिखा दे तेरा खेल। चूहे की दुश्मन बिल्ली, बिल्ली का दुश्मन कुत्ता। हाँ, शेरू का अगर ध्यान भटका ना है तो बिल्ली ही कमाल दिखाएगी। अमृतलाल डगली को मिठाई खाने से रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शेरू बेटा, अब तू रूम में बंद रहेगा और मैं मिठाई खा के शर्त जीत जाऊंगा और तुझे घर भेजने का इंतजाम हो जाएगा। ये देख, नहीं खाऊंगा मिठाई, नहीं खाऊंगा। ये देख, डिब्बा बंद कर दिया, यहाँ रख दिया। अब मुझ पे गुस्सा मत करना मेरे भाई, भूखना मत है? मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जाओगे कहाँ तुम बच के? हो गिर चुके तुम हम दोनों से। मैं बुराई की वो दलदल हूँ जिसमें कोई एक बार फंस गया तो फंसता ही चला जाता है, फंसता ही चला जाता है। और अब तुम इस दल में फंस गई। मैं हूँ बुराई की रहाई, रहाई, रहाई। मैं हूँ डेथ प्यारी। है इस जादुई छोटे में तो बहुत दम। दैत्यानी करो कुछ करो। रुको!
इस बुराई को हम संभालते हैं। तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ परीलोक की तरफ, जाओ। ठीक है, थैंक यू। आक्रमण! मेरे और महर के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। महर, बस करो महर, तुम्हारी ये पैर भागने के लिए नहीं बने हैं, ये तो मेरे कैद में रहकर एड़ियां रगड़ने के लिए बने हैं। भागो यहां से जल्दी। हाँ। पेड़ गिरने की आवाज कहां से? यानी यहां बहिष्कृत क्षेत्र में मेरे अलावा तो कोई है नहीं, कोई आता जाता भी नहीं है, तो फिर ये पेड़ गिरा कैसे? इसका मतलब यही है कि यहां पर मेरे अलावा कोई और भी। शेरू तो बेलगाम घोड़े की तरह हो गया है। अगर ये यहाँ पे रहा, मैं कभी भी मिठाई नहीं खा पाऊंगा। लेकिन फिकर मत कर बेटा शेरू, तू अगर नहला है तो मैं नहले पे दहला हूं। ये देख, मैं तुझे काबू करने के लिए क्या लेके आया हूँ। शेरू बेटा, भूख भूख अभी भूख भूख काटेगा मुझे, काटेगा ये ले काट काट काट। नहीं काट पाता ना मुझे, एक मिनट अभी आया मैं। अब ना तू ये लकड़ी के इस पार आ सकता है और ना मैं उस पार आऊंगा। बहुत चिल्लाता है ना, भौ भौ करता है। अब कर भौ भौ।
मैं आराम से यहाँ बैठ के मिठाई खाऊंगा और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। बराबर बांधा हुआ है। मिठाई खा रहा हूँ मिठाई। और उसने मुझे ये पास दिया, मैंने उसके पास को पकड़ा और राइट से मारा फिर लेफ्ट से। ये रॉकी को भी इसी वक्त आना था। अगर उसने मुझे देख लिया कि मैं मिठाई खा रहा हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद खाता हूँ। मैंने उसको पकड़ा और मैंने बॉल को ऐसे आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाते बढ़ाते मैंने मैंने एक गोल किया। अरे ये क्या किया मैंने? ये पेड़ गिरने की आवाज ऐसे दिशा से आई थी। बस बस बहुत हो गया ये खेल तमाशा। अब मैं इस पूरे क्षेत्र को ही निष्क्रिय कर दूंगी। फिर ना तो कोई चट्टान हिलेगी और ना ही कोई पेड़।